दिया कि उनको क्या चाहिए, कि पाकिस्तान के ईमान का चाइना के सामान का और राहुल गांधी के बयान का और चमचों के ज्ञान का कोई मोल नहीं। आटे की बोरी में बिक जाएगा, राशन में बिक जाएगा, तेल में बिक जाएगा। अब वो निकालेंगे चप्पल और गाल पे देंगे सटासट सटासट सटासट। बस बोलता हूँ वो सरकार निकम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है। तुम क्या बात करता, चार पीढ़ियों से चिल्ला रहे हैं गरीबी दूर करेंगे, गरीबी दूर करेंगे, गरीबी दूर करेंगे, आज गरीब बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कह रहे थे उठाकर देख लीजिए, लगभग 40 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं और मैक्सिमम बीजेपी गवर्नमेंट एरियाज में हुए हैं। महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। परीक्षा जो है उसके पीछे का जो मेन जिम्मेदार है धर्मेंद्र प्रधान को, जो हमारे जो शिक्षा मंत्री है उनको टारगेट किया जा रहा है कि सबकी सब उनकी गलती है। अगर वो पहले से जो चीज़ें हैं उनको उन पर ध्यान दी जाती तो शायद ये घटना नहीं होती। जी बिल्कुल, आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, लगभग 40 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं और मैक्सिमम बीजेपी गवर्नमेंट एरियाज में हुए हैं। ये नीट वाला जो आप प्रॉब्लम देखो, एक प्रॉब्लम नहीं, इसमें 4 प्रॉब्लम है। आप देखो रियल कैंडिडेट के जगह पे स्कॉलर्स को सब्स्टिट्यूट किया गया, जिसमें 18 लोगों पे केस फाइल हुआ है बिहार में। गोधरा में आप देखो खुद जो वो वहाँ पे जो सेंटर्स पे जो एग्ज़ाम कराते हैं, जो वहाँ पे कंडक्ट कराते हैं, उन्होंने स्टूडेंट्स को बोला कि आप सारे वो जो है ओएमआर सीट्स को मत भरो। बाद में उन्होंने उसको पैसे लेकर वो सारा किया, वो धांधली हुई। और तीसरा चीज़ देखो, पेपर लीक हुआ, आप पटना के हॉस्टल से जो खबरें आ रही, 19 लोगों को उसमें भी FIR किया गया है। और ग्रेस मार्क जो 1500 से ज़्यादा लोगों को ग्रेस मार्क आप किस बेसिस पे दे रहे हो? और सबसे बड़ा स्ट्रेंज चीज़ तो ये हुआ कि 67 लोगों को फुल मार्क्स मिले हैं, 720, उसमें से कुछ ऐसे मार्क्स आए हैं जो टेक्निकली इनकरेक्ट है, जैसे 719 मार्क्स भी कुछ लड़के को मिले हैं। 719 मार्क्स किसी भी तरीके से नहीं मिल सकता है। अगर आप उसका स्कोरिंग पैटर्न देखोगे तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव मार्क्स भी है। अगर आप एक भी गलत क्वेश्चन करोगे तो उसका 5 मार्क्स कटेगा, अगर वो रॉन्ग अटेम्प्ट का 4 प्लस उसका -1। तो ये पूरी तरीके से सरकार का फेलियर बताता है। कभी भी बीजेपी युवाओं और रोजगार के मामले में हमेशा से फेल रही है। पिछले 10 साल का आप डेटा उठाकर देख लीजिए, ये पहले झूठे झूठे वादे करके आए कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, हम ये ठीक कर देंगे, हम वो ठीक कर देंगे, हर एक चीज़ पे ये फेल हुए हैं। जब भी किसी चीज़ पे फेल होते हैं तो वो दूसरे उसको छुपाने के लिए कुछ और कर देते हैं। ये जो नीट का रिजल्ट आने वाला था वो 14 तारीख को आने वाला था, उसको जानबूझकर इस धांधली को और इस करप्शन को छुपाने के लिए 4 जून को इसको लाया गया, ताकि सारे लोग एकदम इलेक्शन रिजल्ट में मग्न होंगे और हम पीछे से धांधली कर देंगे। और ये जो धर्मेंद्र प्रधान जिसका नाम है, इसके आप ट्विटर अकाउंट्स को जाके देख लीजिए, कहीं से भी नहीं लगता है कि ये एजुकेशन मिनिस्टर है। सबसे पहले तो जो लोग जिस पोस्ट पे बैठे हैं उस पोस्ट के लायक ही नहीं। इसका ट्विटर अकाउंट पर जाके देखिए तो हमेशा मोदी जी 300 पार 400 पार फलाना ढिमाका मोदी जी यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, एक भी एजुकेशन से रिलेटेड इसका पोस्ट नहीं आता। ये इसको तो रहना ही नहीं चाहिए। और ऊपर से इतने FIR होने के बाद ये बोल रहा है बंदा कि नीट और NTA ने पूरी ट्रांसपेरेंसी दिखाई है, पूरा झूठ बोल रहा है। और अभी ये 2 ऑप्शन दे रहा है कि जिनको हमने ग्रेस मार्क्स दिया है वो या तो आप विदाउट ग्रेस मार्क्स एक्सेप्ट कर लीजिए या उन्हीं को री एग्जाम करने के लिए दे रहा है। तू पूरा क्यों नहीं री एग्जाम करा रहा है? तुम्हें एडवर्टीजमेंट पे खर्च करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए चाहिए और सारा इधर से उधर 1200 इनको देता है, 600 इधर देता है करोड़, और ये सारे करता है लेकिन एग्जाम को ये री एग्जाम नहीं कराया, क्योंकि इनके लोग जुड़े हुए हैं, 20-20 लाख 50-50 लाख लोग ले के कहीं ना कहीं पास कराए कि बिहार से भी इसका जो है तार जोड़ा जा रहा है। एक तरफ कहा जाए कि तेजस्वी यादव का भी इसके पीछे हाथ है और तेजस्वी यादव जो है वो नीतीश कुमार को भी अपने साथ में ले रहे हैं। इसमें जो भी जुड़ा हुआ है उनको पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं का मामला है, उनके भविष्य का मामला है। इसमें हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इंडिया में ऑलरेडी जो हेल्थ सेक्टर है उसका स्थिति बहुत ही खराब है, और वैसे नीट में अगर ऐसा होने लगा, अभी आप देख लो एम्स में कितनी सीटें, 58 सीट्स हैं और कितने इन्होंने टॉपर दे दिए, 67, उनको कहाँ दोगे, कहाँ पे एडमिशन दोगे? हर साल आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, 2 से 3 ही लोग मैक्सिमम मार्क्स लाते थे। ये पूरे तरीके से सेटिंग्स है, ये पूरा करप्शन है, और ये जितना कोशिश करेंगे कि इसको रोका जाए, इसको री एग्जाम नहीं होने दिया जाए, पर अपोजिशन इसको उठाएगी और अभी जब भी सेशन स्टार्ट होता है इसमें पूरे जोर से उठाना है। आपको क्या लग रहा है इसका मेन कारण क्या लग रहा है कि आखिर बीजेपी सरकार में ही इतने पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? देखिए, जब बीजेपी आई थी 2014 में तो मोदी का नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, और हर साल हम युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। आप 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो रोजगार तो इन्होंने दिए नहीं, ऊपर से जिनकी रोजी रोटी थी उसमें से भी काफ़ी निकल गए।
और आप यूपी का जो अभी आप आंकड़ा निकाल लोगे तो उसमें मैक्सिमम तो एक तो वैकेंसी नहीं आई और जो वैकेंसी आई उसके पेपर लीक हुए, वो सारे मामले अभी कोर्ट्स में चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप युवाओं के भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। और वैसे ही ये घटना है नीट और नेट का। तो नीट में क्या है, आप बोल रहे हो कि हमारा हेल्थ सिस्टम आपको पता ही है कितना पूरा कोरोना में कोलैप्स कर गया था, और जो आप डॉक्टर बना रहे हो आप वो फर्जी से आप करप्शन करके धांधली करके बना रहे हो, तो वो डॉक्टर क्या हमारा ट्रीटमेंट करेगा, हमारा कहाँ रहेगा हेल्थ सिस्टम गई। हाँ, वर्ल्ड का जो अयोध्या का देखो टेम्पल इकोनॉमी कितनी रन करेगी, वहाँ रेडी वाला है, पटरी वाला है, टीका लगाने वाला कहता है 2000 रुपये पर डे में छाप लेता हूँ टीका जो लगाता है, तो मतलब वहाँ पे 9 लाख 12 लाख की संख्या में लोग पहुँचे हैं। अब तो कम हुए क्योंकि इस तरह की वहाँ की रिजल्ट की वजह से, जब पहुँच रहे थे 12 लाख लोग भी तो एकादशी व्रत रख के गए नहीं थे भाई, खाएंगे रहेंगे रुकेंगे चलेंगे फिरेंगे, मतलब मिठाई की दुकान है, खाने पीने की दुकान है, जो भी चीज़ जुड़ी हुई हैं हर रोज़मर्रा की सारी चीज़ें वहाँ पर धनाधन इकोनॉमी बढ़ गई। ठीक है, उसके बाद आप देख लो अयोध्या को कौन जानता था, आज वो पूरे विश्व का मुद्दा बन गया कि यहाँ अयोध्या में मंदिर बन गया। तो इतना बड़ा काम करने के बाद बीजेपी वहाँ से हार गई, बड़ी दयनीय और दुखद। लेकिन अभी इस वक्त जो है मेन मुद्दा जो है नीट का है, क्योंकि क्योंकि स्टूडेंट के जिंदगी साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है बहुत बड़ा, तो क्या लापरवाही किसकी लग रही है? देखिए, नकल माफिया जो है वो शिफ्ट हो गया है अब आजकल वो लीक कराने में, ये नकल माफिया थे पहले, भ्रष्टाचारी थे सारे, अब इनको रोजगार तो उधर से बंद हो गया, भ्रष्टाचार लगभग तो उधर कम हो गया इस लाइन में एजुकेशन की, तो अब जो है ये इस पे सरकार को कानून बनाना चाहिए, कठोर कानून, और विद इन 6 मंथ में इनको सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि इस पे सज़ा नहीं है, कोई कानून नहीं है। तो नकल माफिया सोचता है कि भाई 5 करोड़ नकल कराने का दे रहा है ना, चलो 4 महीने 3 महीने जेल कर आएंगे, 5 करोड़ तो मिल रहा है, तो नकल माफिया जो है धड़ल्ले से ये पेपर लीक हो रहा है। तो ये जो मिले हैं ना, इसके लिए सरकार को कठोर, ये बहुत बड़ा दाग है बदनुमा, देखो पूरे वर्ल्ड में ये बात फैली है, और जो नीट के बच्चे हैं उन्होंने कितनी तैयारी कितनी हार्ड वर्किंग के बाद जब पता लगा उनको पेपर लीक, जो एलिजिबल थे बच्चे उनके दिल पे क्या बीती होगी, वो तो मॉरल उनकी बिल्कुल एक्टिविटी ख़त्म हो गई होगी। तो वही कह रहा हूँ ये बहुत बड़ा धब्बा है, इस पर गवर्नमेंट को सीरियस होके और सारे सांसदों को मिलकर कठोर कानून तैयार करना चाहिए। इन्होंने दो बात कही थी, एक बोला था कि अयोध्या के मामले में कि अयोध्या में रोजगार पैदा हुआ, तो आप पूरे विश्व में देख लीजिए हिंदू 2 कंट्री में ज़्यादा है, एक इंडिया में दूसरे नेपाल में, तो अगर हमारा आप मंदिर को आप बनाते हो कि इकोनॉमी इससे बूस्ट होगी तो हमारे ही लोग वहाँ पे जाएंगे, इंडिया के ही लोग जाएंगे, ऐसा नहीं है कि मेरे को विदेश से 10 कंट्री के लोग, इतने तादाद में इंडिया से बाहर रहते हैं और सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे इंडियन ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि दूसरे देश के लोग आएंगे जिससे हमारा रिवेन्यू और इकोनॉमी बूस्ट होगा। तो अपनी फेलियर को, जो रोजगार है, जो एजुकेशन है, जो महंगाई है, उसको छिपाने के लिए आप पूरा मुद्दा को डाइवर्ट करें मंदिर पे कि हम इकोनॉमी कहाँ का बूस्ट होगा, अयोध्या का ही होगा, बाकी जगह का नहीं होगा, और वो कहाँ का होगा, सिर्फ इंडियन ही आएंगे, बाहर के तो लोग आ नहीं रहे हैं, तो आप इकोनॉमी उस पर टूरिस्ट तो आते हैं ना, हाँ सिर्फ अयोध्या के ही होंगे ना बाकी। अब रही बात, इन्होंने पूरे इलेक्शंस में इसको भुनाने के लिए ट्राई किया कि इसको मुद्दा बना के हम वोट को पोलराइज करके और वोट ले लें, बट यूपी में क्या है, यूपी में जो युवा है उन्होंने देखा क्या कि 10 साल से एक तो वैकेंसी नहीं निकल रही, जो वैकेंसी निकल रही उसके पेपर लीक हो रहे हैं, तो आप मंदिर का झुंझुना पकड़ा के उस पर वोट नहीं ले सकते। बीजेपी के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं कि अयोध्या वाले गद्दार हैं, ये है वो है, पर आप ये सोचिए अगर वहाँ से कोई जीता, वो भी तो हिंदू है ना, वहाँ से कोई मुस्लिम तो नेता जीता नहीं है। अब इनकी बात का काउंटर है, ये कह रहे हैं अयोध्या से, अयोध्या में बीजेपी, सुन लो पहले सुन लो, बीजेपी जो है अयोध्या से नहीं आ रही, पहले अपने दिमाग से निकाल दो। अच्छा सब सुनो सुनो, जो फैजाबाद है, जो अतीक अहमद का गढ़ था, जो मुस्लिम मैन वहाँ पे थी कमेटी, उसके साथ जो दोगले हिंदू, उन्होंने मिलके जातिवाद में बट के 8,500 के चक्कर में, 8,500 के लालच में उन्होंने अपना वोट, आज वही जाके कार्यालय पे लाइन लगा रहे हैं, आज जो है उनके कार्यालयों पे आप चले जाओ, अयोध्या के कांग्रेस के कार्यालय है वहाँ पे लाइन किसने लगाया भाई, 8,500 साढ़े 8,000 खटाखट वाले जातिवाद में वो बढ़ गए फिर। और ये बता रहा हूँ, जातिवाद बिहार और यूपी को जब तक जकड़ के रखेगा, ये मत उम्मीद रखना कि यूपी में जल्दी कुछ ठीक होने वाला, ये ध्यान रखना बिहार में, आज बिहार को अगर आपको लेबर चाहिए तो बिहारी नाम आ जाता है, किस लिए आता है, ISPCS सबसे ज़्यादा वहाँ से आते हैं, आज लेबर सस्ती चाहिए तो बिहार, ठीक है तो किस लिए, बिहार वाले अपने कर्मों की वजह से, क्यों जातिवाद को वो वोट देते हैं, वो देखते हैं हमारी जाति का कौन सा बंदा कड़ा काम करे ना करे, 5 साल बैठ के चूरन चाशनी खाता रहे और खिलाता रहे, एक चीज नहीं करे, लेकिन वोट उसी को देंगे जात के नाम पे, ये भाई साहब को दुरुस्त कर रहा हूँ। बीजेपी जब आई 14 और 19 में सब लोगों ने वोट दिया, वहाँ पे इनको जाति नहीं दिखी, जितना ही जाति जहरीला है उससे ज़्यादा धर्म है,
ठीक है, तो इनको धर्म पे वोट चाहिए कि 80 और 20 से प्रॉब्लम है। सबसे बात मुद्दा बताऊं, इसको मंदिर से प्रॉब्लम है, घुमा फिरा के ये मंदिर 5 साल से ये राजनीतिक पार्टियां रोटी सेक रही थी। 70 साल से तो यही चल रहा था। ये था कि भैया तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर कब बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे। इन्होंने क्या करा, 12 साल पटिशन दायर रही, 12 साल में 4 दिन पहले 28 वकील कांग्रेस ने भेज दिया वहाँ पे अदालत में, और उस मामले को लटका दिया गया। और जिसने पटिशन दायर किया था, जिस मुस्लिम ने, वही फूल बरसा रहा था अयोध्या में, क्योंकि यह मुद्दा समाप्त किया गया। अगर यह मुद्दा आज भी गर्म होता तो आज पता नहीं कितने साल होता कि यह पार्टियां रोटी से सीट हार गए, अयोध्या की सीट हार गए। जहां पर राम बताइए, एक चीज मुझे बताइए, 2 बार कंटिन्यू जीते, अच्छे बहुमत से जीते, लेकिन तीसरी बार 850 की 850 एक सेकंड कृष्ण जन्मभूमि से कृष्ण के वंशज हार गए, उस पर बोलो। जो ये हार गए समाजवादी पार्टी कृष्ण की जन्मभूमि से, वो कहते हैं हम योगीवंशी हैं, हम जो हैं कृष्ण के वंशज हैं, तो तुम कैसे हार गए भाई? राजनीति तो अयोध्या में हुई थी ना, इसलिए वो हॉट सीट रहा और उससे हारे नहीं हुई थी। नहीं, आपने जो धर्म की राजनीति की वो सबसे ज्यादा अयोध्या पे। अयोध्या में ये भी कहा जाता है कि जिन लोगों का घर जो है नुकसान हुआ था उन लोगों को भी 1000 से 1500 लोगों का घर, उनको मुआवजा 2 बार मिला, 2 बार मिला। अगर मान लो 1500 लोगों ने वोट नहीं दिया, 12 लाख की आबादी है पूरे उस सीट पे, 12 लाख में यानी दोगलापंती हुए ही आज जात में बटे, और 8500 के लालच में आए कि भैया जैसे 5 तारीख को 5 जून को 8500 मिलने लगे। तो यूपी के लोगों ने बता दिया कि उनको क्या चाहिए और वही चल रहा है। अब रही तीसरी बार आप आए हो तो आप रोजगार पे काम कीजिए, महंगाई को कम कीजिए, पेपर लीक का मामला है उसको करेक्ट कीजिए, फिर आप देखिए क्या होता है। यही चीज है, छिन्न भिन्न होने का यही कारण है। हिंदू आटे की बोरी में बिक जाएगा, राशन में बिक जाएगा, तेल में बिक जाएगा। की बात करो जो बिहार में परसों पेपर लीक हुआ है उसके ऊपर क्या बोलना है, किसकी वहाँ पे हुकूमत है स्टेट में? परसों पेपर पढ़ो, आज का पेपर पढ़ो, आज का रद्द किया पेपर, कौन सा लिखा, कौन सा पेपर मुझे पता नहीं, मेरी सिर्फ सुर्खी पढ़ना नहीं होता, ये हॉट डिबेट में आ जाते हैं। रद्द किया गया, इसीलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान के ईमान का चाइना के सामान का और राहुल गांधी के बयान का और चमचों के ज्ञान का कोई मोल नहीं। इनको पता नहीं कि कौन सा पेपर लुक हुआ। एक मिनट मुझे आप एक बताओ, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार में 14 में से 6 पेपर लीक होते हैं, तब इनके इन लोगों का मुंह नहीं खुलता। अब इन लोगों को कष्ट है कि अयोध्या हार गए। अरे मूर्ख, सरकार किसकी बनी? सरकार में भी मोदी जी है ना तीसरी बार। और सुनो, और 2029 आएगा ना, अब की बार योगी जी बनेंगे, वो सब लपेट देते हैं। सुनो, अभी कोई चमचा अब की बार नहीं बोला कि ईवीएम हैक है, ईवीएम हैक का ये अभी तक इनके पास मुद्दा था मणिपुर, ईवीएम हैक, अब महंगाई, अरे काहे का महंगाई? मैं तो देखा हूँ भैया, जिसके पैर में चप्पल नहीं हटता था आज वो एंड्राइड चला रहा है, वो महंगाई है अब मुझे बताओ। और बिहार की बात मैं करूंगा, एक मिनट हाथ है उधर, यूपी और बिहार की देखो। पीएचडी वाला बंदा, डॉक्टर, एमबीबीएस, इंजीनियर, ये सारे इतना पढ़ने के बाद वोट किसको दे रहे हैं? 9वीं फेल को। मुख्यमंत्री कौन चाहिए? 9वीं फेल, वो इनके फ्यूचर डिसाइड करेगा। जो 9वीं फेल है, जिसको ठीक से पता नहीं किसी चीज का, उसको वोट देते हैं। इनका दुर्भाग्य क्यों, जाति के नाम पे, ये जात के नाम पे बटे हैं, इसलिए वहाँ पे हमेशा जो है ये पिछड़ी रहते हैं दो स्टेट। बाकी स्टेट कैसे आगे चले गए? बाकी स्टेट इंडस्ट्री में आ गए हैं, इकोनॉमी में आ गए हैं, एजुकेशन में आ गए हैं, हर चीज में आ गए। बिहार और यूपी को भी जड़ा, क्यों, वो जातिवाद में बटा। और ये जो 8500 मिलता, मतलब ये मेरे समझ में नहीं आता, एक मिनट, ये जो 8500 देने का दावा कर रहे थे, ये किलो में देते 8500 या लीटर में? मुझे एक बताओ, 15 लाख के लिए कोई एक भी भक्त अभी तक लाइन में लगा? नहीं लगा। 8500 के लिए देखो, 8500 खटाखट। आप मुझे एक बात बताओ, 8500 खटाखट मिल जाता, ये 1947 से और 2014 तक ये खटाखट, ये खटाखट वाली मशीन कहाँ है? दिल्ली में थी क्या? और जो महिलाएं लाइन में लगे ना खटाखट के लिए 8500 तो नहीं मिल रहा है। अब की बार जब चुनाव आएगा ना, वो निकालेंगी चप्पल, क्योंकि महिलाओं देखो वो उनको ये दिक्कत रहता अपना परिवार चलाने के, अब वो निकालेंगी चप्पल और गाल पे देंगे सटासट। देखिए, ये 15 लाख जैसे खटाखट आए हैं ना, वैसे ही 8500 भी खटाखट आएंगे। मोदी जी जब आए थे तो 15 लाख बोलते सबके अकाउंट में जाएगा, कहाँ है 15 लाख? जो महिलाएं वो गारंटी कार्ड दिखा रही है ना, इनसे पूछो गारंटी कार्ड क्यों दिया कि भैया 5 तारीख से मिलने लगेगा, 1 जुलाई से मिलना शुरू हो जाएगा, तो ये बोलना नहीं था। तो जब तक सुनो, जब तक 15 लाख जब तक मिलेगा नहीं, तब तक बीजेपी को हटने नहीं देंगे, ठीक है, और कांग्रेस को बढ़ने नहीं देंगे। 15 लाख चाहिए, इसीलिए तो बीजेपी बनाए हैं। बोलता हूँ वो सरकार निकम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है, ठीक है, अभी तक तो ये भारत को ठगे हैं। अब ये सिर्फ विकास क्या कर रहे थे पता है? ये कब्रिस्तान बनाते थे, मस्जिद बनाते थे। अभी तक मुझे एक बात बताओ, अभी तक नरेंद्र मोदी के अलावा
मनमोहन सिंह यादव जी रहे हो या कोई भी रहो, मुझे बताओ कोई जाकर मंच पर हर हर महादेव, मतलब ये हिंदू को एकदम खत्म ही करना चाहते थे 1947 में, ये बताता था वो मैं कांग्रेस का बकास। पहली एक मिनट, पहला बात उन्होंने बनवाया मस्जिद 1947 में, 600 मस्जिद थी, आज 13 लाख है। दूसरे नंबर पर कब्रिस्तान, वो लाल टोपी वाले क्या नाम है, अखिलेश भैया वो बात कर रहे हैं बांके बिहारी जी का मंदिर का जमीन उन्होंने कब्रिस्तान में दे दिया था, उनके पापा का था क्या ये सुना। प्रदेश में काफी ज्यादा सीटें मिली है लेकिन इस बार सपा को तो साफ हो जाएंगे अगली बार। इन लोगों का कहना यह है, सुनो, कि मोदी जी जिंदाबाद और राहुल गांधी भारत से जिंदाबाद। 60 साल से ये गाना गा रहे थे, 60 साल से कितना काम किया, क्यों गए, वो नहीं जाना था ना, रहना चाहिए था 60 साल कंटिन्यू, अगर और आगे बढ़ना चाहिए था उसको कंटिन्यू करती सरकार। जब उन्हें पता है फेलियर हैं, इन्होंने गरीबी का, इनका बाप दादा 4 पीढ़ियों से चिल्ला रहे हैं गरीबी दूर करेंगे, आज गरीब बढ़ते चले जा रहे हैं, फिर हैंगर इंडस्ट्री में जाते हैं। अरे भैया, भ्रष्टाचार तो तुमने खत्म करने कोई कानून नहीं बनाया। जो भी मुद्दा, जो मेन मुद्दा है वो एजुकेशन को लेकर है, एजुकेशन सेक्टर जो है कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, समस्या को डाइवर्ट करने के लिए ऐसे ऐसे मुद्दे लेके आते हैं। देखिए मुद्दा है एजुकेशन में, जो नकल माफिया था वो इस समय उसमें शिफ्ट हो गया, ये बहुत दयनीय है, हर सरकार के लिए धब्बा है। मैं बोल रहा हूँ ना, ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं जहाँ कमियां हैं सरकार की कमियां बोल रहा हूँ, सरकार में कमी है उस पर पॉलिसी लानी चाहिए, कानून लाना चाहिए। कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, लोगों द्वारा ही कहा जा रहा है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी कहो विपक्ष का नेता चुनना चाहिए कि नहीं चुनना चाहिए, वो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही है पार्टी, पूछो उनसे रिक्वेस्ट कर रही पार्टी की वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे। आपने विपक्ष हीन रखा पूरे सांसद को, जब तक अपोजिशन मजबूत नहीं रहेगा, हमारी आवाज संसद में कौन उठाएगा। सुनिए, जो हार जाए अपने कर्मों से उसको विपक्ष हीन बता रहे हैं कि वो हार जाए। अरे भाई जीत जा, तू जीत के विपक्ष बन जा। देखिए मोदी जी 2014 और 2019 में 6 लाख के अराउंड जीते थे बनारस से, इस बार 2 घंटे और ट्रेल करते नजर आए, 1.5 लाख सीट पे आ गए, इसको खुशी है। 300 से 240 ले आए, सुनिए 300 से 240 पे आए, उसको नैतिक हार बता रहा है, और जो 60 साल से 99 पे सिमट गए उसको कह रहा जीत गए। जो है हमने जनता से बातचीत की, और कहीं ना कहीं जो नीट एग्जाम का जो बड़ा मुद्दा इस वक्त जो बना हुआ है, उस बीच जो है जनता ने कहीं कहीं रोजगार को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, एजुकेशन सेक्टर को लेकर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया। और आज के इस पब्लिक ओपिनियन से हमें ये जानकारी तो मिल चुकी है कि कहीं ना कहीं जो अभी भी मौजूदा जनता है वो विपक्ष पर टारगेट कर रही है, कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है कहीं ना कहीं मोदी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है, और इसमें धर्मेंद्र प्रधान को जो बात चल रही है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो है कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान अपनी जो है सत्ता जो है वो खो देगी। अब इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इससे अधिक रहिए न्यूज़ 15, कैमरामैन गोविंद के साथ मैं सुमित का।